हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग एमएसक्यू ब्लॉग। सो गाइस हम लोग हैं अलशेख गुड फार्म पे और फैसल भाई है और आसिफ भाई है हमारे साथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको इनके पाले हुए बकरे दिखाएंगे, पलाई के बकरे दिखाएंगे इन शॉर्ट, ठीक है। सो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले। शूट के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा। मेल या डीएम करके आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग फैसल भाई या आसिफ भाई से भी मेरा नंबर ले सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई लोग अस्सलाम वालेकुम। सो भाई ये वीडियो हम लोग क्या मकसद से बना रहे हैं? पलाई रिजल्ट बता रहे हैं बकरों का, क्या बता रहे हैं समीर भाई? पलाई रिजल्ट तो है ही, अगर आप जब ओवरव्यू लेंगे तो पलाई रिजल्ट तो अपने आप दिख जाएगा। इसके अलावा तुम जो अपना पलाई का क्या चार्जेस है, पलाई का कैसा करते हो, वो सब भी इंशाल्लाह मेंशन कर देंगे। ओके, उसके पहले थोड़ा एक बार जरा सब बारे में एक बार एक प्यार दिखाते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। और ये सारे ही बकरे अपने पाले हुए है ना? कोई बकरे अपन ने तैयार किए हुए नहीं लाए थे, माशाल्लाह ये सब यहीं पर तैयार हुए हुए हैं। इसमें या इनके पर्सनल बकरे बोल लो या कस्टमर के बोल लो, ये सब बकरे पले हुए ही है यहाँ पर, ठीक है। अपने पास हैवीएस्ट से हैवीएस्ट बकरा क्या वेट पर होगा आसिफ भाई और फैसल भाई? इसमें समीर भाई ये जो वाइट बकरा खड़ा है ना, ये वाला, ये 151 केजी हम लोगों ने तोले है। ओके, ये हैवीएस्ट खस्सी में सबसे हैवीएस्ट खस्सी, तो 153 प्लस है। माशाल्लाह 153 प्लस, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। ये सारे बकरे आप देख लो, खस्सी तो खस्सी, अंडुल अंडुल तो अंडुल है, खस्सी भी माशाल्लाह बेहतरीन यहाँ पे तैयारी में है और अंडुल भी माशाल्लाह यहाँ पे बेहतरीन तैयारी पे होते हैं। और आपने वीडियोस तो देखे ही होंगे, रमज़ान के बाद जो वीडियोस बनी थी उसमें काफ़ी सारे बकरे जो है हमने शो किए। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आपके गोट्स जो है अंडुल के वो अपन ने शूट में दिखाए थे। उसमें कुछ खस्सी दिखने में नहीं आता है, तो खस्सी के जो कस्टमर है उनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी चाहते हैं उनके भी बकरे दिखे। ओके, और खस्सी के कस्टमर का भी शौक बढ़े। सही है, खस्सी ज़्यादातर क्या करते हैं लोग घर पे इधर उधर कहीं पे भी छोटा मोटा बाड़ा बना के सेट करके वहीं पर पाल लेते हैं, लेकिन फार्म के पाले हुए बकरों की बात ही अलग होती है। वैक्सीन होती है, उनकी खिलाई पिलाई हर एक चीज़ प्रॉपर, फीड टाइम टू टाइम दी जाती है, तो बकरे अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाते हैं। कितने बकरे हैं खस्सी अपने पास पलाई पर? पलाई पर सही है। ये आपका पूरा टोटल इंटायर सेक्शन जो है खस्सी बकरों का है जी। वेट वाइज किए हुए कैटेगरी, हाँ हाँ, छह बाड़े हैं तो उसको वेट वाइज में डिवाइड किए। ओके ओके, क्या पलाई हम लोग लेते हैं आसिफ भाई और फैसल भाई खस्सी बकरों की और अंडुल बकरों की? कैसा है ना समीर भाई, अपना अक्सर करके अपने जो पिछले साल करता था ना, तो अभी भी ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे हमने हमारे जो कस्टमर्स है जो ऑलरेडी पलाई पे बकरे रखे हैं उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। अपने पास जो अभी खस्सी का जो वेट का स्लैब है ना, वो 50 केजी के अंडर जो भी बकरे रहेंगे उनका 2500 पिछले साल भी था, अभी भी वही रहेगा। और अबव 50 केजी 200 केजी, ये हमारा 2800 था। अबव 50 केजी 200 केजी, ये हमारा मतलब 200 केजी बोले तो क्या है, 200 किलो तक का? No. ना ये मेरे को समझाओ जरा। ओके, 50 अंडर 50 केजी जो है, हाँ हाँ, वो 2500 जी, फ्रॉम 50 केजी 200 केजी, हाँ 200 अच्छा टू, अरे मैं बोला मैं 200 किलो क्या बोल रहे हो, 50 से 100 हाँ वो बकरे का अपना 2800 लेते थे, अब से हम लोग उसको 3000 रुपया लेंगे, तो उसमें 200 रुपया बढ़ा है। ओके, और अबव 100 केजी 3500। ओके, तीन स्लैब में अभी पलाई हुई है अपने, वैक्सीन वगैरह सारे में ही इंक्लूडेड रहेगी ना? वैक्सीन इंक्लूडेड है समीर भाई, जो रेगुलर इनके खुर कटते हैं वो इंक्लूडेड है, और इनके जो हेयर कट है खस्सी के साल में कभी दो बार कभी तीन बार डिपेंड ऑन द सिचुएशन, तो वो भी हो जाता है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, बकरा एक्सट्रीम बीमार हो जाता है या नॉर्मल भी उसके ट्रीटमेंट है उसका कोई चार्जेस लेते नहीं है। सही है, अच्छा सीवियर बीमारी में भी अगर बकरा है तो भी हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते? तो देखिए हमारा तीसरा सीजन चालू होने वाला है इंशाल्लाह समीर भाई, लेकिन हमने आज तक कभी भी बकरा एक्सट्रीम से एक्सट्रीम गया है, 12-12, 15-15 दिन उनको जो भी है सलाइन चढ़ी हुई है जो भी, कभी हमने वो सब उसके चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं, कभी वो बात नहीं, क्योंकि अपना पहले ही कमिटमेंट है कि जितना भी सीवियर हो या नॉर्मल बीमार हो वो सब हम देख लेंगे। सही है,
और अंडुल के बारे में बताएंगे कुछ पलाई वगैरह? अंडुल का ऐसा है कि वो भी सेम ही है, तीन स्लैब है। अंडर 50 kg जाओगे आप तो हमारा 3000 है, और अब 50 kg 200 मतलब 50 से 100 किलो के जो बकरे हैं 3500 है। ओके 3500। लेकिन अबव 100 kg जो है ना समीर भाई वो 4000 है। 4000 हाँ, उसके पीछे रीजन भी है और जो बकरे वाले हैं वो समझ उनको सब समझ में आ जाता है, डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं। सही है, सही है। बाकी हाँ, ये और ये जो स्लैब भी हमने रखे ना समीर भाई, ये ऐसा नहीं है कि बस ओवरनाइट हमने सोचा है और बस रख दिया है, उस पे बाकायदा रिसर्च किया है, रिसर्च भी किए हुए है, बकरों के ऊपर वर्कआउट हुआ है, बकरों के ऊपर मेहनत हुई है, पलाई रिजल्ट भी हमने शो किए है, और उस बेस पे हम मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम बोल के मांग रहे। सही है, माशा मैक्सिमम जो यहाँ तक के ऐसा नहीं है समीर भाई के कस्टमर्स के तो हमारे पास बहुत फीडबैक है। इसके अलावा फार्मर्स भी हमारे वहाँ पे विजिट करते हैं, अलग अलग किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैक्सिमम फार्मर्स भी जो अपने दोस्त यार जो विजिट करते हैं उन्होंने भी हमारा रिजल्ट देखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बेस पे। और ऐसा नहीं कि रिजल्ट अच्छा दे रहे तो आप बस कुछ भी मांग रहे। फीड कॉस्ट बढ़ गई है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें इंक्लूडेड। हम लोग अभी कैसा है ना कि आदमी को सिर्फ ये दिखता है समीर भाई कि अपन सिर्फ इनको फीड दे रहे हैं, बट इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें, टाइम दे रहे हैं, देना पड़ता है। सही है, टाइम दे रहे हैं इनके पीछे। सही है, अपना पलाई का स्लैब भी है। सही है, सही है। 2024 के लिए 1 जुलाई से ईद के बाद से मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये वीडियो क्लोज करें फैसल भाई और आसिफ भाई। सो नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दोनों भाइयों का दे दूंगा। अभी आप कोई बुकिंग ले रहे हो करंट में? समीर भाई टू बी वेरी फ्रैंक, बुकिंग तो ले ही रहे, बकरे पलाई पे आना स्टार्ट भी हो गए हैं, ये खस्सी में भी अंडुल में भी। ओके, बट अंडुल में इसलिए अभी थोड़े फास्ट आ रहे हैं, जैसा अंडुल की डिलीवरी स्टार्ट हुए तो अंडुल बकरे जा रहे हैं, तो जो हमारे पास लिस्टिंग की हुई है किसने हमको कॉल्स किया था या हमारे जो पुराने कस्टमर है जो कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो हमने लिस्टिंग करके रखे और वो एक एक को कॉल करके उनके बकरे आते जा रहे हैं। अभी 2 बकरे आज खाली हुए, अभी 2 बकरे रात तक आ जाएंगे। माशाल्लाह, लिस्टिंग बेस पे जिसको प्रायोरिटी पे जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, कोई पुराना कस्टमर बड़ा कस्टमर यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है, उसके हिसाब से हम कॉल करते जा रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, बकरे रख रहे हैं। ठीक है, सो बुकिंग चालू है जी। भाई भी आए हुए आज। अरे वाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। साथ में आए अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। सो आज भाई आज इधर पे कुछ शूट था यहाँ पर। हाँ बकरे पे अपने जो माशाल्लाह अच्छे तैयार हुए। ओके वीडियो एडिटिंग वीडियो के हाँ मास्टर ब्लास्टर आदमी है। माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, माशाल्लाह बताना जरूरी है कि लोगों को तक पहुंचना चाहिए कि क्या काम होता है। सही, आपका exactly. आपने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाए थे सफेद मोती हो गए, आप अंडुल सीरीज हो गई, ऑनेस्टली समीर भाई इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स है, मैं जबकि अब्रॉड में था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन व्हाट्सएप पे कंटिन्यू आसिफ भाई को कंटिन्यू 3-3 बजे तक फोन आया। क्या बात कर रहे हैं, 3-3 बजे आसिफ भाई उमरा में थे वहाँ उनको कॉल, और एक बार जरूर मेंशन करूंगा मैं उनके, तो वीडियो में करूंगा बट ये जरूरी करना। सही, आसिफ भाई ने कर चुके हैं, हम लोग दोनों भी पार्टनर मौजूद नहीं थे तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके वजह से हमारे फार्म पे बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। हमारी गैर मौजूदगी में इरफान भाई समाया वाले, दानिश भाई ने भी सपोर्ट किया, और ये अदनान भाई यहाँ पे थे माशाल्लाह पूरा शूट करके माशाल्लाह, उससे भी रिस्पॉन्स मिला, और हमारे शाबान जो है और हमारी टीम अच्छे की माशाल्लाह, हमारी गैर मौजूदगी में ये लोग ने पूरा संभाल लिया। एक बात है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दोनों इत्तेफाक की बात थी, आसिफ भाई का उमरा जाना और मैं थोड़ा वहाँ ज्यादा दिन रुक गया, मेरा एक्चुअली 1 मंथ का शेड्यूल है लेकिन मैं कुछ ज्यादा दिन रुक गया, तो वजह से फार्म पे मौजूद नहीं था, लेकिन इन लोगों ने हमारी गैर मौजूदगी में बहुत बेहतरीन संभाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए थैंक्स और आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अदनान भाई फिर कभी मुलाकात होगी, आप बोलो आप मेरे से आप मेरे लिए वीडियो एडिटिंग वगैरह करोगे क्या? सो ये वीडियो समीर भाई मेरे लिए तेरे लिए एक बात है, हम लोग का यहाँ पे जो ग्रुप बना है अल्हम्दुलिल्लाह महापोली का, तो वो हम लोग का बहुत अच्छे से एक दूसरे को आपस में समझ के चलते हैं। अभी जैसे हमारे अलदल गोल्ड फार्म वाले आमिर भाई है, इरफान भाई है समाया वाले, और दानिश भाई ने अपने चैनल पे वो अपलोड किए थे हमारी रील्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। सही, चल रहे और ऐसे चलना भी चाहिए, मजा आता है ऐसे काम करने में भाई, मिलके चलो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा 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 करके करेंगे तो मज़ा नहीं आती है। सो मिलके करेंगे इंशाल्लाह आगे, और भी काम करेंगे इंशाल्लाह। सो ये वीडियो क्लोज करते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। पलाई से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी है आप लोग फैसल भाई और आसिफ भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आके फार्म विजिट करें, अगर आपका मन मुतमईन है तो बकरे ज़रूर दे, है ना। और माशाल्लाह देने का दिल करेगा क्योंकि बकरे यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद 3रा सीज़न शूट कर रहा हूँ, तो हर बार मेरे को कुछ ना कुछ नया देखने को ही मिला है,
ऐसा मैं कभी यहाँ से निराश नहीं हुआ, समझ लीजिए 2.5 ईयर्स हुआ है, 2.5 साल हुआ है अपने फार्म को, लेकिन अभी ये बकरा इसका तीसरा सीजन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रेशियो है, अच्छा परसेंटेज से काम कर रहे हैं और काम दिख रहा है, हम लोग बोल रहे तो आज ये वीडियो में सही है सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम जगह पे हमारा काम दिख रहा है बेशक, 90-95% हमने रिजल्ट दिए। यस 5-10% कहीं ना कहीं चूक होती है, चूक इन द सेंस कोई बकरे ऐसे रहते हैं कि हर तरीके से मेहनत कर लो नहीं गेन दे पाते या तकलीफ थोड़ी दे देते हैं, बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कॉन्फिडेंटली एंड प्राउडली कि 90-95% हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट है, बहुत अच्छा। और रिजल्ट ये भी नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए, जिसके कस्टमर के बकरे हमारे पास पढ़ाई पे वो खुद फीडबैक दे देंगे नीचे इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।